महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष एवं बीजेपी नेत्री श्रीमती बबीता शर्मा ने अपने विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रबल दावेदारी का एहसास कराते हुए कुछ क्षेत्रों का दौरा किया एवं स्थानीय लोगों से समर्थन की अपील की। इस पर क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं बबीता शर्मा, महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष और भी काफ़ी संगठनों में हूँ। करणी सेना की मैं विंग में हूँ, महिला विंग में। ब्रह्म शक्ति संघ की मैं कार्यकारिणी में हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। देव सेना है, भारत रक्षा मंच है, गोडसा नाट्य फाउंडेशन है, ब्राह्मण महासभा है, इन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके अंदर मेरी प्रमुख भूमिका है रही है। मैं विराटनगर से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा संघर्ष है वो पूरा राजस्थान प्रदेश भर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा संघर्ष सिर्फ जयपुर में ही हुआ है। मैंने प्रदेश भर में महिलाओं के केसेस सुलझाए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, तो मेरा कर्म क्षेत्र तो राजस्थान की पूरी भूमि है। विराटनगर को लेके आगामी विजन, जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ आती रहती हूँ और मैंने यहाँ की लोगों की समस्याओं को सुना है, समझा है, तो यहाँ मैंने एक तो मेन प्रमुख देखा है कि अंदर आप जाएंगे, घुसेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज की लाइन से ये हमारा विराटनगर जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद इस रोड को छोड़ के आप अंदर के हालात देखेंगे तो ये नहीं कह सकेंगे कि ये सड़कें हैं। ये सड़कें नहीं हैं, गड्ढे में सड़कें हैं यहाँ पे। ये जो विराटनगर है ये वो पौराणिक नगरी है जहाँ पे हमारे पौराणिक इतिहास जिससे जुड़ा हुआ है, और औद्योगिकरण इसका नहीं हुआ। मैं बस इसका पौराणिक इतिहास को सहेज के रखते हुए औद्योगिकरण की तरफ मैं विराटनगर को ले जाना चाहूँगी कि आज महिला बाहर निकलते हुए डरती है, उसको सुरक्षा का माहौल ही नहीं है। अगर एक तरफ तो लोग एक तरफ नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों की हालत ये आप देख रहे हैं, जो हाल की जो सरकार है उसमें देख रहे हैं, महिलाओं बिल्कुल भी नहीं है। महिला उत्पीड़न में नंबर वन राजस्थान आ गया है, और यहाँ का जो है महिला उत्पीड़न को देखते हुए ही मैंने देखा है कि अगर मेरी बहन बेटी को शिक्षित करना है तो उन्हें सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा, कि मैं मेरी माता बहनों को एक सुरक्षित माहौल देते हुए और उनको उनके ताकि मैं स्किल महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पे भी मैं काम कर रही हूँ। जैसे हर महिला मैंने जाती हूँ, मैं घर घर गई हूँ, मैंने महिलाओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा है कि देखिए हम सुबह से थोड़ा बहुत जो भी घरेलू काम है उनको निपटाने के बाद में जो वो दिन का जो दोपहर का समय है उस दोपहर के समय में वो फ्री रहती हैं। उनकी यही मांग थी कि मैम हमें घर में काम चाहिए, हम महिलाओं को, ताकि हम अपना घर चलाने में एक सहायता प्रदान कर सकें। तो मैं इसलिए ये महिलाओं के ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा है क्योंकि मैं महिला सुरक्षा के ऊपर काम कर रही हूँ, बरसों से काम कर रही हूँ। अगर मुझे विराटनगर की जनता चुन के विधानसभा में ले जाती है तो मैं यहाँ के लोगों के वो जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, उन्होंने जो मुझे समस्याएं जो मुझे फील हुई हैं, मैं गई हूँ फील्ड में, मैं घर घर गई हूँ, तो उनकी एक ही समस्या है कि यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ का जो स्वर्णिम इतिहास है, पौराणिक जो इतिहास है, उसको सहेजते हुए औद्योगिकरण की तरफ मैं लेके जाऊँगी विराटनगर। देखिए मैं जनता से यही कहूँगी, मैं अपील करती हूँ जनता से कि आप एक स्वच्छ और दमदार चेहरे को चुनिए और विधानसभा में लेके जाइए। आपकी आवाज़, आपकी बहन बबीता शर्मा, हम आप और हम मिलकर रचेंगे एक नया इतिहास, योगी श्री जैसी देंगे मिसाल। बबीता शर्मा ने विराटनगर क्षेत्र की मुख्य समस्याओं भ्रष्टाचार, गुंडा राज व तुष्टीकरण की नीतियों का विरोध करते हुए विराटनगर विधानसभा को औद्योगिकरण की मुख्य धारा से जोड़ने एवं विराटनगर की ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।